हेलो फ्रेंड्स, मैं हुदेव, आप सबका स्वागत है देव सवाल में। फ्रेंड्स, ये मेरे पास कुछ 250 का सीड्स है जो मैंने अश्वनी जी से बाय किया था। 10 सीड्स हैं, मुझे 250 रुपये के करीब पड़ा था ये सीड्स। और अभी ये सीड्स में जो कोकोपीट में आप लोग तो ग्रो कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा। अभी इसके लिए मैं इसको एक बोल में ले चुका हूँ। अब इसमें हम प्यूरीफाइड का वाटर जो होता है, एकदम फ्रेश वाटर, वो उसमें अब भिगा दूंगा लगभग 12 घंटे के लिए, और ऐसे ही छोड़ देंगे हम। फ्रेंड्स, 12 घंटा हो चुका है। अब ये जो रेगुलर पॉटिंग में यूज़ करता हूँ वो मैं इसमें रख दिया हूँ, पूरा जो कंपोस्ट एंड कोकोपीट का मिक्सचर है। और इसमें अभी फंगिसाइड पानी का स्प्रे करेंगे, अच्छी तरह से भिगो भिगो देंगे ताकि कोकोपीट में अगर किसी भी तरह का फंगस हो तो वो नष्ट हो जाए। अच्छी तरह से भिगो दीजिए ताकि इसके नीचे से जो ड्रेनेज होल है वहाँ से पूरा पानी बाहर आ जाए। और अभी जो सीड है वो हम अच्छी तरीके से इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। और ध्यान दीजिएगा, एक सीड से दूसरे सीड का जो डिस्टेंस है वो ज़रूर मेंटेन कीजिएगा। और देखिए, 12 घंटे के बाद सीड्स फूल के पूरा मोटा हो चुका है, दुगना हो चुका है एकदम। अब इसको अच्छी तरीके से प्लेस कर दीजिए। देखिए, मैंने पूरी इस तरीके से इसको प्लेस कर दिया है और गैप छोड़ दिया है ताकि एक सीट से एक सीट का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहे। अब इसके ऊपर प्लेन जो कोकोपीट है वो थोड़ा थोड़ा करके स्प्रेड कर देंगे। ज़्यादा मोटा लेयर मत दीजिएगा, सिर्फ इतना दीजिए ताकि आपका जो सीड्स है वो अच्छी तरीके से कवर अप हो जाए। ज़्यादा ज़्यादा मोटा देंगे तो सीड को जर्मिनेट होने में प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छी तरीके से इसको ऊपर से 1 सेंटीमीटर के करीब देखिए, पूरा मैंने दे दिया है। अभी हल्के हाथों से थोड़ा सा जेंटली प्रेस कीजिएगा, ज़्यादा जोर से मत दबाइएगा। अब जो फंगिसाइड का पानी मैंने यूज़ किया था वही पानी से दोबारा इसके ऊपर स्प्रे कर रहा हूँ। आप भी इसमें स्प्रे करिएगा ताकि जो सीड से वो अपने जगह से बिल्कुल ना हिले। अगर मग से या किसी और से पानी देंगे तो सीड्स जो है अपने जगह से हिल जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, नीचे से इसका जो एक्सेस वाटर है वो निकल रहा है ताकि इसमें वाटर लॉगिंग ना हो और आपका जो सीड है वो सड़ ना जाए। अच्छी तरीके से पानी स्प्रे कर दीजिए और पूरा भिगो दीजिए। और अभी इसको हम एक प्लास्टिक सीट से कवर कर देंगे ताकि इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो बनी रहे और एक टेम्परेचर हो वो भी मेंटेन रहे, क्योंकि सीड्स के जर्मिनेट होने के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको अच्छी तरीके से बांध देंगे ताकि जो प्लास्टिक सीट है वो अपनी जगह से ना हिल जाए। और ऐसे बात की इसको रख देंगे एक शेडी एरिया में जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना हो। फ्रेंड्स, ये अभी 8 दिन के बाद का रिजल्ट है। और इसके बीच में एक वीडियो था जो मेरे गलती से वो डिलीट हो गया, 4 दिन का कितना जर्मिनेट हुआ है इस चीज़ का। तो अब देखिए, हल्के हाथों से इसको हटाइए। और 10 सीट मैंने लगाए थे, 6 सीट जर्मिनेट हुआ है, 60% मेरा जर्मिनेट रेट है। 4 सीट शायद ख़राब हो चुका है, जर्मिनेट नहीं हुआ। तो ये भी कभी अच्छी रिजल्ट है, 10 में से 6। और इसी तरह से ट्राई कीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा अगर सीट आपका अच्छा हुआ तो। फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर आपका कुछ सुझाव हो रिगार्डिंग सीड जर्मिनेशन या आप कोई और प्रोसेस यूज़ करते हैं तो मुझे ज़रूर लिख के भेजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिंक में दिया हुआ है, मैं ज़रूर उस तरीके से ट्राई करूँगा। और फ्रेंड्स, और एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसे जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर हमेशा मेंटेन करिएगा। अगर ये थोड़ा सा भी सूख गया, ड्राई हो गया, तो आपका सीडलिंग जो है वो मर सकता है।
फ्रेंड्स, अभी ये 12 दिन का हो चुका है थाइस देखो का। देखिए पूरा सीट अपने पैरों पे धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।